डेविड को एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसे एक पानी टैंक में डाल दिया जाता है। उसके हाथ से एक पाइथन गुजरता है लेकिन उसे महसूस नहीं होता। पर जब तक उसे रियलाइज होता है कि उसके पानी टैंक में कुछ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बहुत सारे पाइथन उसके टैंक में आ चुके थे। डेविड खिड़की के पास जाकर माइक को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन माइक किताबें पढ़ने में इतना बिजी होता है कि न ही वो मशीन को देख रहा था और न पानी टंकी को। डेविड यह देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि माइक को उसका ध्यान रखने के लिए वहां बैठाया गया था। अब वो खुद ही वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है और जब टैंक ऊपर जा रहा होता है तो पाइथन में उसका ऑक्सीजन मास्क फंसता है और निकल जाता है। अब डेविड पानी टंकी के टॉप पर जाता है और दरवाजे को हाथ से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हाथ से खोलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन गेट न खुलने की वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाता है और हजारों पाइथन के बीच जाकर गिर जाता है। और जब डेविड को होश आता है तो वो देखता है कि उसे रेस्क्यू टीम द्वारा पानी टंकी से बाहर निकाल लिया गया है। अब डेविड माइक से कहता है कि टंकी में बहुत सारे पाइथन है, लेकिन जब माइक टॉर्च मारकर पानी टंकी में देखता है तो वहां कुछ भी नहीं होता।